नमस्कार, पहाड़ प्रभात में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी। और चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आज पूरे दिन क्या कुछ खास रहने वाला है हिमाचल प्रदेश में। तो आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हिमाचल दौरे का तीसरा दिन है और आज राष्ट्रपति आईएएस सर्विस के प्रशिक्षु अधिकारियों के विदाई समारोह में शिरकत करेंगे। उनके हिमाचल दौरे से जुड़ा हर अपडेट आप तक दिन भर पहुंचाने का प्रयास रहेगा। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कई मुद्दों पर सरकार को घेर सकते हैं। क्या कुछ खास रहेगा उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप तक पहुंचाएंगे। हिमाचल में मिला जुला मौसम है, कभी धूप तो कभी बादल। हालांकि मौसम विभाग ने 19-20 को येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। मौसम से जुड़ा हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। चलिए रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी इस बीच आपको बता दें, बड़ी खबर शिमला से, जहां पर हिमाचल दौरे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। जी हां, हिमाचल दौरे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। राष्ट्रपति के दौरे का आज तीसरा दिन है, बेहद महत्वपूर्ण। और जानकारी आपको दे दें कि आज आईएएस प्रशिक्षु अधिकारियों का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में शिरकत करेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको यहां पर बता रहे हैं। तो आईएएस बैच के विदाई समारोह में शामिल होंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। ये इस वक्त की बड़ी खबर। हिमाचल दौरे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं और आज उनके दौरे का तीसरा दिन है, बेहद महत्वपूर्ण आज का ये दिन रहने वाला है राष्ट्रपति के दौरे का। और आज आईएएस के प्रशिक्षु अधिकारियों का कार्यक्रम है। कार्यक्रम में शिरकत करेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। तो आईएएस बैच के विदाई समारोह में शामिल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद होंगे और आज हिमाचल दौरे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, तीसरा दिन है उनके इस दौरे का। आज का उनका जो कार्यक्रम है वो हम आपको बता रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज आईएएस के प्रशिक्षु अधिकारियों का कार्यक्रम, जिसमें वो शिरकत करेंगे। राष्ट्रपति कार्यक्रम में शिरकत करेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। और बता दें आपको कि आईएएस बैच के विदाई समारोह में शामिल होंगे महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। हिमाचल दौरे पर आए हुए हैं और आज का उनका ये कार्यक्रम रहने वाला है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी इस मौके पर इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो आज आईएएस के प्रशिक्षु अधिकारियों का कार्यक्रम का आयोजन, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शिरकत करेंगे। तो एक दिन के विशेष सत्र में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हिमाचल की जमकर तारीफ की। सबसे पहले सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। मेरे लिए ये सुखद संयोग है कि हिमाचल की धरती मुझे पिछले लगभग 45 वर्षों से आकर्षित करती रही है। मैं पहली बार 1974 में हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मनाली क्षेत्र में आया था और उसके बाद कई बार इस प्रदेश में आना होता रहा। सार्वजनिक जीवन से जुड़े अनेक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए भी हिमाचल प्रदेश आने का अवसर मुझे मिलता रहा। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, लोगों की कर्मठता, सरलता व अतिथि सत्कार ने मेरे मानस पटल पर एक गहरी छाप छोड़ी है। तो इसके अलावा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हिमाचल की स्वर्णिम यात्रा पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि हिमाचल की संस्कृति प्राचीन है और हिमाचल विकास के पथ पर देश का सिरमौर बने, यही मेरी कामना है। हिमाचल प्रदेश द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करने की स्वर्ण जयंती से जुड़े विधानसभा के इस विशेष सत्र को संबोधित करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। लोकतंत्र के इस उत्सव के अवसर पर हिमाचल प्रदेश के विकास में योगदान देने वाले आप सभी महानुभावों के साथ साथ मैं प्रदेश के लगभग 70 लाख नागरिकों को पूरी देश की ओर से भी बधाई देता। पहाड़ी गांधी के नाम से विख्यात कांगड़ा के बाबा कांसीराम जैसे स्वाधीनता सेनानियों ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ शांतिपूर्ण सत्याग्रह किया और अपने जीवन के अनेक वर्ष कारावास में बिताए।
संविधान सम्मत मार्ग पर चलते हुए डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, पंडित पदम देव, श्री शिवानंद रामौल तथा अन्य जन सेवकों ने पहाड़ी क्षेत्रों के एकीकरण और हिमाचल प्रदेश की स्थापना के संघर्ष को आगे बढ़ाया। हिमाचल प्रदेश में स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा का निर्माण करने वाले विगत विधानसभाओं के सदस्यों तथा उसको मजबूत बनाने वाले आप सभी विधायकों को मैं साधुवाद देता हूँ। देववाणी संस्कृत के साहित्य में देवभूमि हिमाचल की प्रशस्ति के अनेक उदाहरण प्राप्त होते हैं। हमारी लोक परंपरा में इस क्षेत्र को महादेव शंकर और देवी पार्वती से जुड़ा माना गया है। एक बहुत प्रचलित प्रार्थना है कि हिमाचल सुता नाथ संस्तुते परमेश्वरी रूपम देही जयम देही यशो देही द्विशो जयी, अर्थात हिमालय की कन्या पार्वती के पति भगवान शंकर के द्वारा प्रशंसित होने वाली है। हे परमेश्वरी, सभी लोगों को रूप विजय और यश प्रदान कीजिए, शत्रु के समान विद्यमान कुवृत्तियों का नाश कीजिए। मैं यही प्रार्थना लोकतंत्र के इस पावन मंदिर में हिमाचल प्रदेश के निवासियों तथा सभी देशवासियों के कल्याण के लिए भी करता हूँ। हमें प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक विरासत को संजोए रखने के साथ साथ विकास के क्षेत्र में निरंतर प्रयास करने होंगे। प्रदेश के हम सब लोग जानते हैं, एक जिले का नाम सिरमौर भी है। मेरी शुभकामना है कि पूरा हिमाचल प्रदेश एक दिन विकास के पैमाने पर भारत का सिरमौर बने। हिमाचल प्रदेश की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में लोकतंत्र के इस मंदिर में आप सबके प्रति मैं यह शुभकामना व्यक्त करता हूं कि अपनी लोकतांत्रिक विरासत व स्वस्थ परंपराओं को निरंतर मजबूत बनाते हुए आप सब अपने राज्य को खुशहाली की बुलंदियों पर ले जाएं। हिमाचल प्रदेश द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करने की स्वर्ण जयंती पर आप सबको एक बार फिर हार्दिक बधाई, धन्यवाद, जय हिंद। वहीं इसी मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। जब स्टेटहुड के 50 इयर्स पूरे होने के उपलक्ष्य में हमने कुछ कार्यक्रम निर्धारित किए थे, लेकिन मैंने जैसा कहा कि कोविड की चपेट में वो कार्यक्रम हमको बीच में स्थगित करने पड़े। अभी तक बहुत सारे इवेंट्स हमने प्लान किए थे, हर एक डिपार्टमेंट के लिए हमने कहा था एक बड़ा इवेंट प्लान करना था, तो वो सारी चीजों को लेकर के थोड़ी बहुत दिक्कत आई। लेकिन जब कोविड में अब रिलैक्सेशन हो गई सोशल गैदरिंग में, तो हमने कहा ये कार्यक्रम करना चाहिए। मैंने राष्ट्रपति मोदी जी से निवेदन किया कि अगर आप समय दे सकते हैं तो हम एक स्पेशल सेशन करना चाहते हैं, और मुझे इस बात की खुशी है कि माननीय राष्ट्रपति मोदी जी आए हमारे आग्रह पर, उन्होंने स्वीकार किया, आज सभी माननीय सदस्यों को संबोधित किया, पूर्व सांसद और पूर्व विधायक रहे, उनमें भी अच्छी तादाद में लोग यहाँ पर उपस्थित थे। एक अच्छी शुरुआत है, हिमाचल प्रदेश के विकास में हर आदमी का कंट्रीब्यूशन है, और ये कंट्रीब्यूशन उन लोगों को डेडिकेट करना चाहिए, और उस दिशा से चुने हुए प्रतिनिधियों ने भी एक भूमिका अपने दौर में निभाई है, अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपने जिले, अपने प्रदेश के विकास के लिए। तो उस सारी चीज को ध्यान में रखते हुए, उनके कॉन्ट्रीब्यूशन को स्मरण करते हुए इसकी शुरुआत हुई है, और आने वाले समय में हम और भी कार्यक्रम आपके सामने रखेंगे जिसमें आपको सूचना दी जाएगी। तो एक दिन के विशेष सत्र पर अनुराग ठाकुर मीडिया से मुखातिब हुए, क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। सुहाना भी था और उपलब्धियों भरा भी था। संघर्ष जो एक पूर्ण राज्य बनाने के लिए स्वर्गीय वाईएस परमार जी ने किया, उसके बाद जितने भी मुख्यमंत्री आए, जितने भी विधायक आए, सांसद आए, चुने हुए प्रतिनिधि आए, पंचायतों के प्रधान पंच से लेकर बाकी आए, उन सब ने अधिकारियों कर्मचारियों के साथ मिलकर बड़ा योगदान दिया। इसलिए आज हिमाचल विभिन्न क्षेत्रों में बाकी बहुत राज्यों से आगे है। जब 50 वर्ष पूरे हुए तो हमें एक नजर उस रोड पर डालनी चाहिए जिस रोड को पार करते हुए हम 50 वर्ष पूरे करते आए, और वहां से फिर अगला रोड मैप तैयार करना चाहिए। यानी कि जो सफर हमने अब तक तय किया
उससे हम सीखें कि हमने कैसे क्या क्या किया, क्या कमियां रही, और भविष्य के 50 वर्षों में हम हिमाचल को कहां ले जाने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, किन किन क्षेत्र की उपलब्धियां क्या होंगी, इसका रोडमैप इकट्ठे मिलकर बनाएं। रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की ओर, बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है, उसका रुख यहां पर कर लेते हैं। शिमला से आ रही है बड़ी खबर, आज कुलदीप राठौर करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। जी आज कुलदीप राठौर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दोपहर 1:30 बजे राजीव भवन में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। ये बड़ी खबर, प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। तो हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष हैं कुलदीप राठौर, जो कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। बेहद महत्वपूर्ण कई ज्वलंत मुद्दों पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज कुलदीप राठौर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, दोपहर 1:30 बजे राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। तो बता दें आपको, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष हैं कुलदीप राठौर, जो कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, बेहद महत्वपूर्ण कुलदीप राठौर की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज रहने जा रही है, किन किन मुद्दों को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र हो सकता है? बिल्कुल, देखिए कुलदीप राठौर क्योंकि अपने जो दौरे पर थे हिमाचल के, और जो ऊपरी हिमाचल का अगर मंडी, कुल्लू और लाहौल स्पीति, ये तीन जिले हैं जहां का दौरा करके अभी शिमला वापस लौटे हैं, और इस बीच विधानसभा का विशेष सत्र भी हुआ है। सबसे पहले कुल्लू की बात करेंगे। कुल्लू में जिस तरह से बीते दिनों एक मारपीट का मामला सामने आया था, जिसमें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला जो है वो किया गया था, उसमें बीते 4-5 दिन पहले ही अभी पीटीआई में उस व्यक्ति की मौत हो गई जिसके ऊपर हमला किया गया था। तो ऐसे में कानून व्यवस्था पटरी से उतर रही है, बड़े सवाल जो है वो यहाँ पर राज्य सरकार के ऊपर जो है वो उठाए जा रहे हैं, कार्य प्रणाली के ऊपर उठाए जा रहे हैं। इसको लेकर जरूर आज चर्चा जो है आज संभवतः होगी। और इसके अलावा जो सेब बागवान है, क्योंकि सेब सीजन चल रहा है, 5,000 करोड़ से ज्यादा की इकोनॉमी जो है वो हिमाचल प्रदेश की सेब पर टिकी है, जिसका जिक्र बीते कल विशेष सत्र के दौरान मुकेश अग्निहोत्री जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने भी राष्ट्रपति के समक्ष जो है वो सदन के भीतर रखा था ये मामला। और इसी मुद्दे को लेकर जो है आज फिर कुलदीप राठौर जो है जरूर इस पर बात कर सकते हैं। तीसरा और अहम मुद्दा जो है वो राजनीति, क्योंकि अब देखिए आने वाले दिनों में पंचायती राज के चुनाव हैं, और पंचायती राज के चुनाव जो है वो लाहौल स्पीति और जो जो जनजातीय क्षेत्र है यहाँ पर होने हैं। तो ऐसे में किस तरह की तैयारियां हैं, किस तरह से जो रिस्पांस जाकर कांग्रेस पार्टी को जनता के बीच में मिल रहा है, इन तमाम चीजों को लेकर जो है आज कुलदीप राठौर जो है जरूर कॉन्फ्रेंस के बीच में जो है इन मुद्दों को उठाएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विकास शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। जाहिर तौर पर बेहद महत्वपूर्ण ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 1:30 बजे, अब देखना ये होगा कि आखिरकार किन किन और मुद्दों को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाहिर किया जाता है मीडिया के सामने। तो फिलहाल आपको बता दें कि विशेष सत्र में शिरकत करने के लिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और उनके पिता, जो कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, प्रेम कुमार धूमल भी पहुंचे। सत्र के बाद दोनों पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के घर पर हॉली लॉज पहुंचे, और वहां पर उनके घर पहुंचकर परिवार को अपने गहरी संवेदनाएं प्रकट की। बढ़ेंगे आगे, हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने 19 से 20 तारीख तक येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। मौसम विभाग ने दरअसल भारी बारिश की संभावना भी जताई है। सैलानियों और स्थानीय लोगों को नदी और नालों से दूर रहने की अपील की गई है। ग्राफिक्स के जरिए देखिए, तो मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया हुआ है भारी बारिश को लेकर। 19 और 20 सितंबर को भारी बारिश होगी। सभी जिला प्रशासन से लोगों से अपील की है नदी और नालों से दूरी बनाए रखने की अपील की गई है। तो 19 सितंबर कांगड़ा मंडी, 20 सितंबर चंबा कांगड़ा, ये कहां कब बारिश होगी वो हम आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। 19 सितंबर को हमीरपुर सोलन में, 20 सितंबर को सोलन शिमला में, वहीं आपको बता दें 19 सितंबर को शिमला में और 20 सितंबर को सरमौर में। बढ़ेंगे आगे, हिमाचल प्रदेश में दरअसल गिद्धों की संख्या में कमी को देखते हुए गिद्धों की ट्रैकिंग करने का फैसला लिया गया है, जिसमें कि गिद्धों के मूवमेंट को ट्रैक किया जाएगा। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि किस तरह से गिद्धों की ट्रैकिंग की जाएगी। तो जीपीएस ट्रैकर्स से निगरानी की जाएगी,
वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ने ये तैयारी शुरू की है इसके लिए। गिद्धों के मूवमेंट पर नजर रखी जाएगी। कांगड़ा में यह अभियान शुरू किया गया है। सितंबर के अंत तक यह काम भी पूरा कर लिया जाएगा। बता दें कि गिद्धों की संख्या में कमी के चलते यह फैसला लिया गया है। पशुओं को दी जाने वाली दवाई से भी इन्हें इनकी मौतें जो हैं वो हो रही हैं। तो लाहौल स्पीति और चंबा में पंचायती राज चुनावों को करवाने की घोषणा कर दी गई है और आपको बता दें कि 29 सितंबर और 1 अक्टूबर को ये चुनाव करवाए जाएंगे। आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि इन चुनावों में क्या कुछ खास रहेगा। नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। दो चरणों में पंचायती राज चुनाव होंगे। 29 सितंबर और 1 अक्टूबर को मतदान होगा। 888 उम्मीदवारों ने पत्र दाखिल किए हैं। 399 पदों के लिए मतदान होगा। 18 सितंबर तक नाम वापस ले सकते हैं उम्मीदवार। तो 6 अक्टूबर को समाप्त होगी आचार संहिता। चलिए अब रुक करेंगे हिमाचल की खबरों के फटाफट अंदाज में। पौंडसाहिब में जंपिंग की आड़ में लोगों की जमीनों को किया जा रहा तहस नहस। वन विभाग को लगा लाखों का चूना। सिरमौर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस। बीजेपी महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं ने केक काटकर किया जन्मदिन सेलिब्रेट। नान में युवा कांग्रेस ने बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन। युवा कांग्रेस ने सड़कों के किनारे पकौड़े और साथी चाय बेचकर किया रोष जाहिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर सेवा सप्ताह का शुभारंभ। महिला मोर्चा टीम ने सिविल अस्पताल के हर वार्ड से बातें पाई। रामपुर में पोषण अभियान के तहत लगाई पारंपरिक अनाजों की प्रदर्शनी। हिमाचल की महिला आयोग अध्यक्ष डीजी ठाकुर ने किया प्रदर्शनी का शुभारंभ। बाजुमो जल्द ही युवाओं को नमो ऐप से जोड़ने के लिए चलाएगी विशेष अभियान। बाजुमो ने करीब 4,000 लोगों को ऐप में जोड़ने में निभाई अहम भूमिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर एचपीसीए और साथ ही साइकिलिंग एसोसिएशन ने किया यज्ञ का आयोजन। युवाओं ने निभाई बढ़ चढ़कर भागीदारी। नान में 17 से 23 सितंबर तक मनाया जाएगा सेवा सप्ताह। वरिष्ठ नागरिकों के लिए की जाएगी विभिन्न गतिविधियां आयोजित। ऊना में एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने मांगों को लेकर सौंपा उपायुक्त राघव शर्मा को ज्ञापन। 1 जुलाई से पहले रेत का स्टॉक होगा इकट्ठा। ऊना जिला अध्यक्ष बलवंत सिंह ठाकुर के नेतृत्व में बॉक्सिंग एसोसिएशन की बैठक हुई संपन्न। बैठक में समस्याओं के समाधान को लेकर हुई चर्चा। कुल्लू में उठी स्वर्ण आयोग गठन की मांग। सामान्य वर्ग संयुक्त मंच के पदाधिकारी करेंगे राष्ट्रपति से मुलाकात। कुल्लू में युवा कांग्रेस ने किया धरना प्रदर्शन। पकौड़े तलकर मनाया गया पीएम मोदी का जन्मदिन। एसपी ने किया पौंटा के थानों का निरीक्षण। जवानों को दिए दिशा निर्देश। भौगोलिक स्थिति का भी लिया जायजा। नाहन में एफसीआई के गोदाम में गुजा बरसाती पानी। कई क्विंटल राशन हुआ बर्बाद। आटा चावल चीनी पानी लगने से हुई खराब। नशे के खिलाफ पुलिस अलर्ट। सोलन के अर्की में युवक से पकड़ी 532 ग्राम अफीम और 534 ग्राम चरस। मामला दर्ज जांच शुरू। नालागढ़ के बगेरी में करियाना स्टोर से दरअसल हुई लाखों की चोरी। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। 10 स्टोर से कैश ज्वेलरी और अन्य किराने का सामान चोरी। आपको बता दें कि हमीरपुर में पोषण महीने के दौरान हिमाचली पाक कला कार्यक्रम का किया गया आयोजन। उपायुक्त देवश्वेता
बनिक ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत। मंडी कांग्रेस ने बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया पीएम मोदी के जन्मदिन। पूरे शहर में विरोध रैली निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। ऊना के संतोषगढ़ में दरअसल गोली चलने की अफवाह से सतर्क हुआ पुलिस प्रशासन। पुलिस को फोन के माध्यम से दी गई थी सूचना। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई अफवाह फैलाने वाले युवक, जांच में जुटे पुलिस। सोलन में बीजेपी ने किया प्रेस वार्ता का आयोजन। सीएम जयराम ठाकुर के दौरे को लेकर की प्रेस वार्ता, कहा सोलन को अरबों रुपए की सौगात दे गए सीएम। नूरपुर में वरिष्ठ नागरिकों ने केक काटकर की सेवा सप्ताह की शुरुआत। युवाओं को दिलाई गई बुजुर्गों के सम्मान करने की शपथ। 17 से 23 सितंबर तक चलाया जाएगा सेवा सप्ताह कार्यक्रम। पहाड़ प्रभात में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।